नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ जावरमा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां अनंत नियति वर्ल्ड पीस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित अनंत श्री शिव शक्ति पीठ एवं संस्कार शाला आश्रम पर आज से 10 दिवसीय भारतीय संस्कृति संवर्धन संरक्षण शिविर का शुभारम्भ किया गया। शिविर का शुभारम्भ धामपुर नगर पालिका के नव निर्वाचित अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह द्वारा किया गया। आपको बता दें कि शिविर में 5 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। ये शिविर 10 दिन तक प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम 7 से 9 बजे तक चलेगा, जिसमें भारतीय संस्कृति तथा धार्मिक गतिविधियों से जोड़ते हुए ऊंच नीच जाति बिरादरी से ऊपर उठकर देश के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य का बोध कराया जाएगा। आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज ने बताया कि ममता और समता का भाव भारतीय संस्कृति में है। अपनों के प्रति दिल में ममता और दूसरों के प्रति समता अर्थात समानता मन में आ जाए तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। व्यक्ति को शास्त्र का अध्ययन तथा शास्त्र का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। शास्त्र के निरंतर अध्ययन से मन पवित्र होकर मन में ज्ञान की वृद्धि होती है। शास्त्र के निरंतर अभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा, शिविर का उद्देश्य छोटे बच्चों के अंदर छिपे हुए आत्मबल को जगाना है, जो एक उच्च पढ़ाई करके भी निश्चिंतन में लग जाता है। विद्वान होकर ढोंग पाखंड करता है, डॉक्टर होकर शरीर के अंग बेच देता है। संस्कारहीन व्यक्ति जिस भी पद पर चला जाए उसे गंदा ही करता है। शिक्षा के साथ संस्कार परम आवश्यक है, इसलिए हमने संस्कार शाला की स्थापना का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि हम नदी, वृक्ष, पशु, पक्षी का पूजन आदर करते हैं। प्रत्येक कथा भागवत में कलश पूजन के माध्यम से सुंदर पर्यावरण का संरक्षण का भाव रहता है। तुलसी, पीपल, बड़ आदि का संरक्षण पूजन से पर्यावरण संतुलित रहता है। इस दौरान विक्रम राणा, कार्यक्रम प्रेरक यशपाल तुली, विशिष्ट अतिथि दिनेश चंद्र अग्रवाल नवीन, अनिल शर्मा अनिल, संजीव शर्मा, मनोज रस्तोगी, जगदीश अरोड़ा, सुगम जैन, पंडित अनिल शास्त्री, प्रणव भारद्वाज, भूमिका भारद्वाज, मोती शर्मा, पारस पुष्पक, हेमेंद्र कुमार, चंद्र प्रकाश आदि मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।